नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है ज्यादा शरणपत्ती करते हैं, समझ गए बात को। ज्यादा शरणपत्ती का मतलब, बहुत सारे मेरे नीचे भी कमेंट आते हैं और लोग भी सजेस्ट करते हैं। अब क्या सजेस्ट करते हैं, 5 मिनट में सब कुछ बता दूंगा। एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो भाई, विजिट वीजा खुद निकालो और दुबई जाओ, ठीक है। एजेंट ज्यादा पैसा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, एजेंट ज्यादा पैसा लेते हैं। लेकिन अब उसमें क्या पते हैं, एक तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जैसे कम पढ़ा लिखा आदमी होता है, एक हाई स्किल का थोड़ा अच्छा जॉब वाला होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि हाई स्किल की कई बार जॉब नहीं आती, तो बंदा वहां, अब लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में दुबई पहुंच जाते हैं कि यहाँ तो पैसा अपना ज्यादा लगेगा, वहां कम लगेगा। अब उसका खर्चा मैं बता देता हूँ आपको। 3 महीने का वीजा लेते हैं, 20-25 हजार का वीजा, 10-15 हजार की टिकट, 40 हजार हो गए। यहाँ पे आपको एजेंट को जोर मार के 70-80-90 हजार रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है, हो गए 40 हजार। फिर आप वहां पहुंच गए दुबई, फिर आप वहां अन्य कोई जानकार नहीं है आपका, फिर आपको कोई जानकार भी होगा तो वो आपको रूम दिलवाएगा, उसका 500 दिनार कम से कम एक सिंगल बेड का लगता है। सिंगल बेड का 500 दिनार महीने का 10 हजार हो गया, 50 हजार हो गए। फिर आपका 3 महीने का वीजा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 1-2 महीने पहले आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैंने दुबई में लिया है। लोग 2-2 महीने से ऐसे धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई नहीं पूछता उनको, ठीक है। ट्रेवल दुबई का महंगा है, आप सबको पता है, यानी बंदा लाख रुपए तो खर्चा हो जाता है उसका, समझ गए। फिर वो किसी ऑफिस में पहुंचता है या एजेंट के पास पहुंचता है, जैसे इंडिया में एजेंट बैठे हैं ना लुटेरे, वैसे वहां पर भी हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ तो आप है ना, उसके घर पहुंच जाओ, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन अगले को मार देते हो आप, समझ गए। वहां कुछ नहीं कर सकते, वहां पे एक सिस्टम है कि एजेंट या ऑफिस वाले फीस लेते हैं, लीगल फीस, लीगल वो लीगल है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, उसमें फीस लेते हैं 1500 हजार, 1500-2000 तराम, कितना होता है भैया, 35 हजार रुपए। ये खर्चा जो बंदा जॉब लगता है ना, 1.5 लाख के करीब पहुंच जाता है, गारंटी नहीं है कि वो जॉब लग भी जाए, ठीक है। वहां पे एजेंटों ने एक सिस्टम बना रखा है, ये भी ध्यान रखना। एजेंट बोलते हैं हाँ मैं लगा दूंगा आपको 1000 रुपए में, उनकी सेटिंग होती है, किसी थर्ड पार्टी को बंदे को दे देते हैं, उसको 200 देते हैं, 10 दिन जॉब लगाया, फिर उसको कंपनी वाला निकाल देता है, उनका वीजा नहीं लगता। कितने बंदे आउट पास से इंडिया आना पड़ता है, उनका वीजा एक्सपायर होता है, या फिर आउट इन करना पड़ता है, या तो आप मस्कत जाओ, ठीक है, ओमान जाओ, या फिर आप इंडिया आओ, तो फिर दोबारा आपका पैसा, यानी इस सिस्टम में झोल जाल है भाई। आप अगर इनडायरेक्टली दुबई विजिट में जा रहे हैं तो वहां पर इन सिस्टमों से बच लें। अगर आपके पास 100% श्योरिटी है कि अपने यहाँ से विजिट में जा रहे हैं, वहां वीजा लग जाएगा दुबई में यहाँ पे, तो आप सिस्टम से आए, वरना तो दुबई आने का कोई मतलब नहीं है भाई। एजेंट को पकड़ दो, क्या है 20-30 हजार रुपए ज्यादा ले लेगा, श्योरिटी तो है ना, आप बोल तो सकते हो ना उनको, पैसे दिए भाई काम करवा। लोग तो मेरी ऐसी तैसी झूठी कर लेते हैं, मैंने वीडियो डाला, मुझे नहीं पता कौन आदमी, उनसे जिसका भी वीडियो डालता हूं उनसे क्या बात करता है, क्या उनकी डील होती है, क्या उनकी तनख्वाह होती है, मुझे नहीं पता होता, ठीक है। वहां पहुंच जाता है 10-15 दिन में, फिर मेरे कमेंट पढ़ कर आपने पढ़े होंगे, आपने लोगों को फंसा दिया, मैंने फंसा दिया लोगों को, मैंने आपने लोगों को ठग लिया, मैंने लोगों को लोगों, फिर ये स्थिति होती है, समझ गए बात को। तो भाई इन चीजों से बच लें, डायरेक्ट लोग दुबई जाना चाहते हैं वो तरीके से जाएं, समझदारी से जाएं, वहां पर भी एजेंट ठगते हैं आपको, इस बात का ध्यान रखना। अब नीचे कमेंट दुबई वाले एजेंट करने लग जाएंगे मुझे तो, समझ गए। अब मेरे तो भाई वीडियो में तो ऐसे बनाता हूं तो मुझे तो लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, ये चीजें, तो भाई इन चीजों से बच लें, थोड़ा सा ध्यान रखें। डायरेक्ट जाते हो तो पुख्ता सबूत जाए, या फिर इंडिया में जाओ, कोई बात नहीं, एजेंट 20-30 हजार ज्यादा ले रहा है, कोई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपका जेन्युइन काम तो हो जाएगा। नहीं भी होता है, वापस भी आता है, तो इसका एजेंट जिम्मेदार होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। इतनी बातें थी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन उसको दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो नई अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ साथियों, बीच में एक बात बता दूं, अभी दीपावली का सीजन चल रहा है, बहुत सारे ऑफर भी चल रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से रिलेटेड, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान, या फिर घरेलू कोई भी सामान, अच्छी भारी छूट चल रही है, तो अमेजन पे अगर आप सामान खरीदते हो तो जल्दी घर पहुंचता है और औरों से सस्ता भी मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ उसको ओपन करके वहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं।